यहाँ बिजली की बड़ी मुश्किलात है, बिजली दो फार फ्लंग एरिया है, बिजली आती नहीं, बार बार टूट जाती है, बरसात में भी हवा चलती है और बर्फ में भी, और पानी यहाँ जो है वो कभी कभी आता है, पानी की बड़ी मुश्किलात है, पहाड़ी इलाका है, दूर से पानी आता है, सड़कें बहुत कम हैं, एक ही सड़क ये जाती है गिरफ की बुद्धल तक, लोकल सड़कें जो PMGSY की हैं, PWD की हैं, उनका हालात ठीक नहीं है। अभी जो अंडर कंस्ट्रक्ट सड़कें हैं वो मुकम्मल नहीं हुई हैं, कूल यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर कोई कारखाना नहीं है इस इलाके में, कोई डेवलपमेंट के काम सही नहीं हुए हैं। यहाँ 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन अगर सोचा जाए, उसका पूरा तजर्बा लगाया जाए, तो यहाँ पर बहुत कमी है और बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए या स्पेशल प्रोजेक्ट बनाने की और स्पेशल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है हर शोबे में। कोई भी शोभा आप लीजिए, कोई भी शोभा लीजिए, कि उस शोबे में यहाँ काम करने की ज़रूरत है, खासकर एजुकेशन में तो यहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जो स्कूल है वो उस हिसाब से बड़े दूर दूर हैं, और रास्ते में जंगल पड़ते हैं, दरिया पड़ते हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूलों की यहाँ कमी है, और इसलिए दूसरी जो यहाँ माल मवेशी है उसके पालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं है। होनी चाहिए स्कीम जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, रूस में है, और वो नस्ल की यहाँ भेड़े अगर हों तो यहाँ भेड़े पाली जा सकती हैं और वो एक आमदन का जरिया लोगों को बन सकता है। यहाँ हॉर्टिकल्चर का बड़ा स्कोप है, अगर हॉर्टिकल्चर के अखरोट खास कर लगाए जाए,